दर्शन विहार कॉलोनी आरटीओ ऑफिस के पास स्थित जेएमडी एकेडमी के विद्यार्थियों ने सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जैसे ही सीबीएसई ने परीक्षा परिणाम घोषित किया, वैसे ही छात्रों के रिजल्ट को देखकर जेएमडी कैंपस में खुशी की लहर दौड़ गई। परीक्षा परिणाम में 2 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस उपलक्ष्य में सभी होनहारों को फूलमाला पहनाकर और ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर एस के शर्मा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय क्वालिटी टीचिंग, अनुशासन और टेस्ट सीरीज को दिया। इस मौके पर आदित्य रौतेला, विपुल माथुर, यश प्रताप सिंह, प्रगमन्य बौद्ध, अनुष्का चौहान, दीपांशु चौहान, अर्पण चौधरी, अभय चौधरी, यश उपाध्यक्ष, ध्रुव कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज कैंपस में बहुत ही खुशी का माहौल है और यहाँ पर जो बच्चे हमारे 10th क्लास में 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने 90%+ अचीव किया है और हमने बच्चों का आज स्वागत किया और यहाँ पर जो है बड़ा अच्छे से बच्चों को मिठाइयाँ बांट के बहुत खुशियाँ आज माहौल रहा हमारे कैंपस के अंदर। किस तरह की तैयारियाँ करवाई हैं? क्योंकि बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उसमें बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज़ और जब एग्ज़ाम चलते हैं बच्चों के, तो उससे पहले हमने बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बनाए थे और वो मॉक टेस्ट से बच्चों का प्रदर्शन में काफ़ी अच्छा रहा और बच्चों को रेगुलरली यहाँ पर जो है क्लासेस चलती हैं, कभी कभी संडे में भी हम क्लासेस लगाते हैं और उनका जो बोर्ड परीक्षा जो होती है, बोर्ड परीक्षा के आधार पर हम उनके टेस्ट पेपर तैयार करते हैं, उन टेस्ट पेपर से इनको काफ़ी हेल्प होती है। दूसरा, खाली हम एकेडमिक कोर्स ही नहीं कराते, उसके साथ साथ उन्हें एएमयू एंट्रेंस 11th की भी प्रिपरेशन कराते हैं और उन्हें कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं। कई बच्चे हमारे यहाँ से एनटीएससी भी क्वालिफाई करके गए हैं और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर आईआईटी और नीट के बैचेज जब स्टार्ट होने वाले हैं और जल्दी ही क्लासेस शुरू होंगी और एएमयू एंट्रेंस में भी हमने काफ़ी अच्छा परिणाम दिया है। पिछले 10 वर्षों से हम इसमें काम कर रहे हैं और जीटी रोड पे हम 5 साल से हर दिन हर साल अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस बार भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा और भी आगे रिजल्ट अच्छा रहेगा। जिन बच्चों ने अच्छा किया है उनके लिए मैं दोबारा से बधाई देना चाहता हूँ, अपने शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ और अपने जो स्टडी मटेरियल वाली जो हमारी टीम है, जो बच्चों के लिए समय समय पर उनके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन तैयार करती है, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तैयार करते हैं और वीकली प्रैक्टिस शीट जो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो दी जाती है, सभी ने अपनी जो हमारी जो पंच लाइन है कोशिशों में रहें ईमानदार, तो सभी ने ईमानदारी के साथ कोशिश की, बच्चों ने भी ईमानदारी से कोशिश की, उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी जो है रात के टाइम में 8-8 बजे तक हमारी क्लास चलती थी तो पेरेंट्स बच्चों को 8 बजे जाड़े के टाइम पर बच्चों को जो है लेकर के जाते थे क्योंकि टाइम कम मिलता था, कम समय था ऑफलाइन क्लासेस का, तो रात रात हम 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेज हमने रेगुलरली लगाया, उससे बच्चों का जो रिजल्ट है उससे इम्प्रूव हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ सभी को, सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट को समझें, उनकी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है और उनकी कौन कौन सी बुक्स उनके पास में हैं, कौन सी नहीं है, उन्हें उपलब्ध कराएं और उनके साथ में शाम को रोज़ाना सारे अभिभावक आधे घंटे कम से कम बच्चे के साथ बैठें और उसका कहीं से कोई परेशानी है किसी तरह की, उसका मनोबल टूट रहा है तो उनका मनोबल बढ़ाएं और शिक्षकों ने जैसे मेहनत की है वो और भी मेहनत करें। और मैं खुद डॉक्टर एस के शर्मा बच्चों को जो है खुद भी पढ़ाता हूँ और अपनी टीम से भी पूरा मेहनत के साथ में हम काम कराते हैं, हम सब अपनी कोशिश में ईमानदार हैं, सारे बच्चे भी अपनी कोशिशों में ईमानदार हैं, तो जेएमडी एकेडमी संस्थान का रिजल्ट और भी अच्छा आएगा और भी जिन बच्चों ने अच्छा किया है सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। हेलो, मेरा नाम आदित्य रौतेला है, मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 96% मार्क्स स्कोर किए हैं और मैं अपने स्कूल में अभी टॉप करा है। मैं अपनी जो कोचिंग है वो जेएमडी कोचिंग एकेडमी अलीगढ़ से करता था, यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और मार्क्स अच्छे आए हैं। स्टार्टिंग में मेरे करीब 80% मार्क्स ही आ रहे थे लेकिन अब एंड ईयर के एंड में मेरे 96% मार्क्स सिर्फ एस के सर और जेएमडी कोचिंग की वजह से आए हैं। यहाँ पर जो DPPs होती हैं और रेगुलर टेस्ट होते हैं उसकी वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी इन्हेंस करे हैं और आखिर में मैं यही कहूँगा कि कोशिशों में रहें ईमानदार। जेएमडी एकेडमी में मैं आया हुआ हूँ, एक्चुअली मेरे बेटा यहाँ पे पढ़ता था और वो इस समय 91% मार्क्स लेके आया है और बड़ी बात यह है कि सर वो एक बिलो एवरेज बच्चा था जो इन लोगों के पास जब मैं लाया था तो मुझे ये था कि उसके 60% 65% आ जाएँ लेकिन वो 91% पे गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और होपफुली कि वो और आगे भी जाएगा। जेएमडी एकेडमी में मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है कि ये टीचर एक्सपीरियंस हैं, नॉलेजेबल हैं,
लेकिन इनमें जो स्पेशल चीज़ है वो है कि इनका जो अटैचमेंट है वो संस्कारों के साथ एजुकेशन देने का है, इसलिए मैं इस कोचिंग में प्रेफर किया मैंने और मुझे बिल्कुल अपेक्षित रिजल्ट्स मिले हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ और आगे भी ये हमारे बच्चों को पढ़ाते रहें और एक नया माइलस्टोन स्थापित करें, बच्चों की लाइफ में भी नया माइलस्टोन स्थापित करें और ये कोचिंग भी एक नया ही कीर्तिमान स्थापित करे। एक अलीगढ़ में एक एशर्ट है ये जो मेंटेन रहना चाहिए। थैंक यू। आदित्य रौतेला हाई स्कूल का छात्र है जो जेएमडी एकेडमी में पढ़ता है और इसके पश्चात घर पर भी 5-6 घंटे से कम नहीं पढ़ा। जेएमडी के डॉक्टर प्रोफेसर के और अन्य सहयोगी अध्यापकों द्वारा विशेष मेहनत की जाती है। यहाँ पर वास्तविकता से बच्चे के दिलों की गहराइयों को जानकर उनको पढ़ाया जाता है और उसी का परिणाम है कि आज आदित्य रौतेला इंग्राम कॉलेज का हाई स्कूल में सर्वप्रथम स्थान पर है जिसने 96% अंक प्राप्त किए हैं। मैं जेएमडी अकेडमी का चेयरमैन कमलेश कुमार शर्मा। मेरे यहाँ आज उत्सव है, इसका मकसद खास है कि बच्चों ने अपने अपने स्कूलों को टॉप किया है या अच्छी रैंक लाए हैं अपने स्कूल में और ये बच्चों की कड़ी मेहनत के साथ साथ मेरे जेएमडी के डॉक्टर एस के सर, जेपी सर, आदेश सर, कौशिक सर, अन्य समस्त जो अनुभवी स्टाफ है, योग्य स्टाफ के साथ साथ अनुभवी स्टाफ है, उनके अनुभव के द्वारा, उनके द्वारा सही डायरेक्शन के द्वारा, सीधी सी बात है, कड़ी मेहनत, सही दिशा, बराबर कामयाबी। इसी तरह से सभी स्टाफ ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं ये अपेक्षा रखूँगा स्टाफ से और स्टूडेंट और गार्जियनों से, गार्जियन अपने बच्चों को समय समय पर देते रहें कि जो हम वर्क करते हैं क्या वो उसको घर पर कर रहे हैं या नहीं, ये हमें गार्जियन से सहयोग की अपेक्षा है। टीचर्स को मैं देखता हूँ, मैंने कैमरे हर एक कमरे में लगा रखा है, एक टीचर भी ये एक सेकंड को हिलता है तो मुझे यहाँ खबर रहती है वो क्या करता है। मैंने स्पेशली इस तौर पर देखता हूँ कि गार्जियन बहुत मुश्किल से पैसा को देता है और बच्चों पर कामयाब हो। आज मैं समझता हूँ 10 बच्चों ने ये कार्यक्रम किया है, अगले वर्ष जो बच्चे 90 प्लस हैं वो 96 प्लस आएँ, जो 96 प्लस हैं वो 98 प्लस आएँ और जो 98 प्लस हैं वो 100% आएँ, अगले साल और अच्छा रिजल्ट लाएँ जिससे हमारे जेएमडी का भी नाम हो, गार्जियन में उत्साह आए, बच्चे आगे कामयाब बने। मैं बच्चों के समस्त बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि आगे निरंतर हमें अच्छा रिजल्ट देते रहें।